हाय, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही। एवरी फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे भी आपकी चुलबुली दोस्त हाजिर है आप सबके लिए लेके एक छोटी स्टोरी जिसका मोरल आपके दिल को बहुत छू जाएगा। आज की स्टोरी काफी पुराने जमाने की है। एक राजा था जिसकी सेना में एक हाथी हुआ करता था। ये हाथी राजा का बहुत ही फेवरेट था, इसलिए हर लड़ाई में राजा उसे भेज दिया करता था। अब ये हाथी जो है, इसे जीतने की बहुत आदत हो गई थी, तो हर किसी लड़ाई में जाता और जीत के ही वापस आता। धीरे धीरे ये बूढ़ा होने लगा, तो राजा ने इसे लड़ाई में भेजना बंद कर दिया। अब ये आसपास राज्य के जंगलों में घूमता, कभी खेतों में घूमता, कभी तालाब के करीब जाता। एक दिन घूमते घूमते ये हाथी एक तालाब के करीब गया और उस तालाब के पास में जो कीचड़ था वहां पे फंस गया। बहुत निकलने की कोशिश की, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा था। अब उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। आसपास के लोग आए और उन्होंने भी उसे मदद की, पर निकाल नहीं पाए। अब ये खबर राजा तक पहुंची। राजा अपनी सेना लेके पहुंचा कि कुछ तो हो पाए और उसका प्यारा हाथी उस कीचड़ से बाहर निकले। सैनिक कोशिश कर रहे थे, वो हाथी कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वहीं से भगवान गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने ये सब कुछ देखा और उन्होंने आके राजा को कहा कि लड़ाई के समय जो ढोल नगाड़े बजवाते हो ना, वही यहाँ पे लाओ और वो बजवाओ। सारे लोग और राजा बहुत अचंभित हो गए कि भगवान बुद्ध ने ये क्या उपाय बता दिया। पर जब उन्होंने उपाय बताया है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। नगाड़े ढोल बुलाए गए, जो लड़ाई के समय बजाए जाते हैं वही ढोल उस समय उस तालाब के पास बजाए गए। और जैसे इन ढोलों की आवाज उस हाथी ने सुनी, उसने फिर से कोशिश लगाई, जी जान से कोशिश लगाई, और आखिरकार वो बाहर आ गया। अब जितने भी लोग वहां थे वो सारे अचंभित हुए। उन्होंने प्रभु से हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, ये क्या था, ये कैसे बाहर निकला? तो भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाया कि इसके अंदर उत्साह की कमी थी, ये हाथी हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। कोशिश कर रहा था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो थक गया था। और एक पर्टिकुलर समय के बाद में हम थक ही जाते हैं, बस उसी तरीके से वो हाथी भी थक गया था। पर उन ढोल नगाड़ों की आवाज सुन के उसमें उत्साह वापस आया, उसमें वो मोटिवेशन, वो विल वापस आ गई कि उसे उस कीचड़ से बाहर निकलना था। भगवान बुद्ध ने ये सब लोगों को समझाया, सबने हाथ जोड़े और अपने अपने काम पे निकल गए। हमारी लाइफ भी इस कोरोना के चलते कुछ उस हाथी की तरह हो गई है। हम लोग भी बहुत निरुत्साही हो गए हैं, किसी चीज का उत्साह हमें लगता नहीं है, किसी चीज से मोटिवेशन मिलती नहीं, कोई विल पावर नहीं अभी, लेकिन ये सब भी निकल जाएगा। हमारे लिए कौन से ढोल नगाड़े बजवाएं? शायद एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, यही हमारे लिए ढोल नगाड़ों का काम करेगा। आपके जो जानने वाले हैं उनसे बात कीजिए, अपने दिल की बात कहिए किसी से, अकेला महसूस ना करें, कनेक्शन बनाए रखें, क्योंकि कभी ना कभी ये समय निकल ही जाएगा। और एक दूसरे को जब हम हिम्मत देते रहेंगे तो उत्साह बना रहेगा, है ना? आगे जितने भी फेस्टिवल्स आने हैं वो सब हमें साथ में एंजॉय करने हैं। अभी कुछ दूरी सब में है, फिलहाल सब सेफ्टी के लिए एक दूसरे से दूर है, लेकिन शायद पिछले 1.5 साल में हमने जो कुछ भी गंवाया वो वापस मिल जाएगा। हाँ, शायद अपनों को हमने गंवाया है वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो समय आना है उससे शायद हम ठीक से एंजॉय कर पाएंगे। तो वो जो उत्साह है वो वापस लाइए, वो जो एंथुसियाज्म है वो जरूर लाइए, अपनों से बात करिए, कनेक्टेड रहिए। कैसी लगी ये स्टोरी मुझे जरूर बताइएगा। आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे अश्विनी पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल रेडियो वाली अश्विनी, एंड माय फेसबुक पेज आरजे अश्विनी पे। मिलती हूँ कुछ नया लेके जल्दी, तब तक ठीक है।